संरक्षण देने वाली सरकार आज अपनी ईमानदारी की बात कर रही है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस शराब नीति को आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लाए थे और ये दावा कर रहे थे इससे हजारों करोड़ रुपए का उन्हें फायदा होगा, ये शराब नीति दिल्ली के अंदर रेवेन्यू का भंडार भरेगी और अपने हर वक्तव्य में कहते थे हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यहां तक कि खुद उप मुख्यमंत्री शराब सीबीआई जांच से एक दिन पहले कह रहे थे इससे 3000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, कोई इनके प्रवक्ता कह रहे 1300 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच हुई वैसे ही वो बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये शराब नीति शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए है। रातों रात जिस समय देश कोविड से जूझ रहा था उस समय इन्हें कोविड की चिंता नहीं थी, इन्हें नई शराब नीति के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया को फायदा पहुंचाया, 144 करोड़ रुपया उनका कोविड के दौरान, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि कोविड की रिलीफ शराब माफिया को दी जाए, कोविड की रिलीफ दिल्ली के आम जनता को मिले इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं थी। कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए वो अर्नेस्ट मनी को वापस कर दिया शराब माफिया के दबाव में। शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए केजरीवाल साहब कि उन्होंने उनका कमीशन जो 2.5% था पहले उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया। इतने मेहरबान हो गए कि दिल्ली में 21 ड्राई डे की संख्या थी उसको घटाकर 3 कर दिया गया। मेहरबानी का आलम यह रहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी ठेके दे दिए, जो कार्टल अलाउ नहीं था इन्होंने ही शराब नीति बनाई कि उसमें कार्टल अलाउ नहीं होगा, वो कार्टल भी अलाउ कर दिया। और चोर दरवाजे से मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया। ये सारा पाप दिल्ली के अंदर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नई शराब नीति जिससे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को लुटा दिया। लोग तो ये कह रहे हैं कि शराब नीति इसलिए आनंद फानंद में लाए थे क्योंकि पंजाब में चुनाव हुआ और पंजाब के चुनाव से पहले शराब माफिया और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी डील हुई थी और वो डील यही थी, डील ये थी कि तुम हमें फायदा पहुंचाओगे तो हम भी आपको पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव में मदद करेंगे। सामने आ गया है, पहले रेवेन्यू 6000 करोड़ रुपया था जो घटकर 5000 करोड़ से भी कम रह गया। जिस रेवेन्यू की बढ़ने की बात ये कह रहे थे, मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आपको जनता ने स्वच्छ पानी के लिए बिठाया था, आपको जनता ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए बिठाया था कि सिसोदिया जी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब की बात कर रहे हैं, 250 दुकानों से बढ़ाकर 850 दुकानें खोल दी। शराब माफिया, आप सोचिए कि शराब माफिया के ऊपर इतने मेहरबान थे कि जहां जहां महिलाओं ने प्रदर्शन किए कि ये हमारे इलाके की दुकान है इसको बंद कर दीजिए, वहां बाउंसर से केजरीवाल के बाउंसर थे, वो बाउंसर से गुंडों से उन महिलाओं को पिटवाया गया। अनऑथराइज कॉलोनी रिहायशी इलाके के अंदर स्कूलों के पास मंदिरों के पास धार्मिक स्थलों के पास शराब के ठेके खोलने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है और ये पाप को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार घोटालों को छुपाने के लिए ये जो बातें कर रहे हैं, ये इस तरह केजरीवाल सरकार अब बिल्कुल उसका खुलासा हो गया है, एक्सपोज हो गई है।
कि ये हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया से मिलकर दिल्ली के राजस्व में करोड़ों रुपए का कमी करने वाले ऐसा पाप दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। धन्यवाद। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को आप सुन रहे थे। पूरी तरीके से कटघरे में आम आदमी पार्टी की सरकार को खड़ा करते हुए 250 से बढ़ाकर 850 शराब की दुकानें खुलवाने का फैसला क्यों? शराब माफिया के ऊपर सिसोदिया मेहरबान क्यों? शराब नीति के फायदे गिनाते गिनाते जब बात सीबीआई जांच पर पहुंची तो आखिरकार उसी शराब नीति पर केजरीवाल सरकार ने यू टर्न क्यों ले लिया? केजरीवाल सरकार का पर्दाफाश हो गया, यह आरोप बीजेपी के। दिल्ली वासियों को और देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का समय आने वाला है और भगवान श्री कृष्ण ने पूरे सात्विकता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जो कर्म के पथ पर चलने का मार्ग है वो हम सबको सिखाया है। अभी अचानक हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और आप जानते हैं कि पिछले समय में जो दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी आई उसके संदर्भ में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पिछले काफी समय से अनेक प्रकार के माध्यमों से व्यापक संघर्ष कर रहे हैं और उस व्यापक संघर्ष का सुपरिणाम यह हुआ कि ये विषय सबके संज्ञान में आया और हम सब ने मिलकर ये सुनिश्चित कराया कि इस विषय की गहराई में जांच होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को भी इसके लिए कन्विंस किया गया, इसकी जांच इनिशिएट हुई। तो आपके वार पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी कह रही है केजरीवाल सरकार बेनकाब हो गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।